नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित पुंडीर, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधी को सिन्हानी गेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीआईजी एसएसपी अमित पाठक ने के द्वारा चलाए जा रहे गाजियाबाद के डीआईजी एसएसपी अमित पाठक के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में सिन्हानी गेट थाने अभियान में सिन्हानी थाना पुलिस चौकी को 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले अपराधी संतोष कुमार पुत्र सुरेश चंद निवासी पिलखवा जिला हापुड़ को मैं 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि हरिदत्त शर्मा को 4 जून को 2 नंबर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी भरी कॉल आई थी, जिसको लेकर सिन्हानी गेट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने के बाद उन नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर टीम को गठित कर दिया गया। इसी क्रम में सर्विलांस टीम के द्वारा सभी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाने के बाद जिस नंबरों से उसने कॉल की थी वह किसी चाय वाले का था से पहचान करते हुए रंगदारी की रकम को लेकर जिस स्थान पर अभियुक्त को बुलाया था वहां पर अभियुक्त को धर दबोचा। अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। दिनांक 3 तारीख को 3 जून को थाना सिन्हानी गेट पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया वादी द्वारा, जिसने एक व्यक्ति द्वारा जिसने ये बताया कि उनसे उनके टेलीफोन पे मोबाइल के ऊपर फोन करके 10 लाख की फिरौती मांग की गई है, जिसमें पुलिस द्वारा टीम गठित करते हुए सर्विलांस की मदद लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस व्यक्ति ने यह मांग की थी फिरौती की उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ से जो बातें निकल के आई वो ये है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वादी के एक जमीन की पिलखवा में जिसे वो इस व्यक्ति के माध्यम से बेचना चाह रहा था, किंतु उसने यह जमीन किसी और के माध्यम से बेच दी, जिससे जो पैसा अभियुक्त को मिलना था वो पैसा इसको नहीं मिला, जिसकी वजह से वो थोड़ा नाराज था। और जैसा उसने अभी बताया है कि वो छोटी मोटी ठेकेदारी का काम करता है और इस समय पैसों की तंगी से गुजर रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे तो उसे इन पैसों की और खरीद फरोख्त की जानकारी थी, तो उसने उनसे पैसा ऐंठने के लिए इस तरीके से फोन करके उनसे रकम मांगी थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, घटना का अनावरण भी हो गया है, जो विधिक कार्रवाई बची है उसे सुनिश्चित किया।